गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अर्चल मनोज चिराग रावत। आपने कल के ब्लॉग पर देख लिया कि मैंने सारा सामान ले लिया। वो देखो वो सूटकेस वहाँ पड़ा है, तो आप लोगों को अब दिखाऊंगा मैंने सूटकेस में सामान लिया क्या था। ठीक है, आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, और जस्ट उठाऊँ पहले पापा मम्मी के पास चलते हैं, थोड़ा उनके साथ बैठ कर टाइम स्पेंड करते हैं, बिकॉज आज है फ्राइडे, कल है सैटरडे, परसों मैं निकल रहा हूँ। तो घर आए हुए 3-4 दिन हो गए, पता ही नहीं चला भाई। आज फ्राइडे, कल सैटरडे, परसों सैटरडे संडे मॉर्निंग में निकल जाऊंगा। तो आज शायद ताऊजी लोग आएंगे या अंकल लोग आएंगे, और नहीं भी आएंगे तो मैं उनसे खुद मिलने उनके घर जा रहा हूँ। तो मैं सबसे मिलूंगा, आप लोगों को भी मिलाता हूँ। सिद्धार्थ भी मुझे मिलने आ रहे हैं देहरादून से, ताऊजी भी मुझे मिलने आ रहे हैं कल देहरादून से, जानवी भी ताऊजी के साथ आ रही है देहरादून से। तो सबसे मिलना है और खुशी खुशी जाना है, इमोशनल नहीं होना। क्यों होना इमोशनल भाई, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, एक साल का टाइम ऐसा चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बाकी पहले नीचे चलते हैं, चाय पीते हैं पापा मम्मी के साथ, उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं। आप लोगों को भी करना चाहिए अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड, जब भी आप घर जाओ, ऐसे नहीं कि फोन पे लगे रहो। फोन पे लगो पर तब लोगों जब आपको टाइम हो, जब माँ बाप के साथ बैठो तो सिर्फ माँ बाप के साथ बैठो। चलो चाय पी रहे होंगे वो लोग भी नीचे, चलो चलो। गुड मॉर्निंग, लोग चाहते हैं बोल रही जब तक आप घर पर पापा मम्मी को दिखाओ। तो आप आओ क्यों रहे हो, फिर आओ क्यों रहे हो, ब्लॉग में तो मैं रख दूंगा पापा, ये तो मैं कर लूंगा पापा, ऐसी बात नहीं। मोटी चाय पिला लो, क्या है हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं, ऊपर जाती है मम्मी, फोन चलाती है और गेम खेलती है उसमें मोटी, और कुछ भरोसे नहीं, मुझे लगता सीरीज भी देखती हूँ ना वो बैठ के टीवी में। कुछ भी करूँ मैं, मेरा घर पापा दो बार बोलते आपका नाम लेके, आपने तो सुना नहीं तब तक फोन नहीं किया पापा ने। पापा फोन नहीं करते, आवाज़ आपने ना बहुत देर में घंटे, आपने बहुत देर में फोन उठाया तो मुझे लगा आप सो रहे हो। पानी भरा कि नहीं भरा ऊपर, जैसे ही मैंने पापा को बोला कि मुझे काम दो मैं देता मैं कर देता हूँ, वैसे ही पापा ने बोला टंकी देख के आ जा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि टंकी भर गई है। आप लोग टंकी को दिखाता हूँ, पहले आप लोग पहले व्यू देखो यार, नजारे देखो छत से, आ हा हा हा, क्या पूरा कोरिडोर दिख रहा है। देखो वो, देखो वो बीएल की टंकी है, देख रहे हो, ये देखो बीएल की टंकी है, सुरेश का घर है वहाँ पे, और वो देखो दूर तक पूरा कोरिडोर है, ये बहुत ज़्यादा है, यही है दुर्गापुरी। दिल्ली के लोग मुझे बोल रहे थे कि अपना आपको डॉक्टर के पास कर, बिकॉज मेरे कमर में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो यही दुर्गापुरी यहाँ जाना, मुझे उस कोने में, वो उस कोने में, और यह पहाड़। हाँ क्या मज़ेदार है यार, अभी भी मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पहाड़ ही होंगे, तो मुझे ऐसा इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पीस शांति सुकून। और ये अभी हो रहा है सूर्य देवता ऊपर आ रहे हैं, सनराइज हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं बढ़िया करके। हाँ यार, तो आपको सुबह सुबह मैंने पूरा का पूरा टूर दिया था, पूरे का पूरे कोटद्वार का। जब हम लोग रेंट पर थे तो हम वहाँ रहते थे, तब ये घर बन रहा था, तब हम लोग रेंट पर थे, तब हम लोग वहाँ पर थे सोसाइटी में, और अब देखो पूरा एकदम सुबह सुबह कितना बढ़िया व्यू आता है, कुछ भी बोलो सुबह सुबह एकदम बहुत बहुत ही बढ़िया। हाँ चलो, पहले ये टंकियाँ हैं, इन दोनों में पानी गिरता है, दोनों की दोनों टंकियों में पानी आता है, मतलब पानी भरता है इन दोनों में रोज, सोचो हम इतना पानी कंज्यूम करते हैं, दोनों टंकियों का पानी हम कंज्यूम करते हैं रोज का। चलो पहले पानी चेक कर लेता हूँ, फिर नीचे चलते हैं चाय पीते हैं। तो मम्मी ने जो है ना शूज़ धोए और प्रॉपर लेसेस के साथ ही धो दिए, देखना जरा, तो मुझे लेसेस को निकालना है। ये मेरे शूज़ है, ये नाइकी का ट्रेविस स्कॉट था, ठीक है, कॉपी है ये, फर्स्ट कॉपी भाई, ओरिजिनल तो भूल जाओ तुम। और एक ये है, और मैंने अभी एक वो वाला और लिया है, देख रहा है ब्लू वाला, ये देख रहा है ना ब्लू वाला, एक ये वाला भी लिया है। पहले इनकी लेसेस निकाल के इनको सुखा देते हैं, उसके बाद शायद हम आज दो और लेंगे, तो वो भी बताएंगे। बताओ ऐसे सुखाना था, मम्मी ने लेस के साथ ही सुखाते हैं, देखो ऐसे ऐसे नहीं कि ऐसे सुखाते हैं। आंटी यार बोए कुछ काम धाम, काम धाम क्या रही जरा है, लोग बोलना चाहिए काम धाम, निकालना चाहिए तुम, ये कौन कर रहा काम, लोग दिमाग ख्याल भेज। तो भाई आज ना मेरी आंटी घर पे नहीं आ रही है, मतलब आंटी नहीं आ पा रही आज, तो आज मम्मी झाड़ू मार रही है और ऊपर मैंने साफ कर दिया है। और आज तो आप लोगों को ऐसे करते लोग आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, हम लोग करते हैं डायरेक्ट क्या ब्रंच, मस्त करके पकौड़ी बन रही है, प्याज और मिर्च की पकौड़ी और कड़ी, क्योंकि मम्मी को मैंने बोला पकौड़ी बनाना ना सिर्फ प्याज की और मत बनाना। आपने प्याज की पकौड़ी भी बनाए, पापा को नहीं पसंद ना प्याज की पकौड़े। और मुझे एमओ एमओ अरे माँ, मैं आपको पता है कि बेटे का फेस कितना अच्छा है, जरा क्रीम लगा ले इसमें, जा बेसन लगा लो इसमें, फेस में ऐसे नहीं, बेसन लगा लो, जरा जेल लगा ले। हाँ माँ, अरे भाई मैं तो आज पूरा दिन रेस्ट करूंगा मस्त करके, मैंने पापा मम्मी कमरे में कब्जा कर लिया, अब मैं यहीं सोऊंगा और यही मैच देखूंगा बढ़िया करके।
The next day. So good morning guys. ये व्लॉग हम नेक्स्ट डे शुरू कर रहे हैं। कल मैं ज्यादा व्लॉग नहीं कर रहा मैंने कि पापा मेरे साथ बैठे थे, पापा थोड़े इमोशनल भी हो रहे थे तो मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया। आज जानवी और ताऊजी, दूसरे ताऊजी ताई जी सब मुझसे मिलने आ रहे हैं घर पे, तो आज घर पे पार्टी है। दिन में आ जाएंगे सब, तो यहीं रहेंगे। कल सुबह 6 बजे मैं निकल जाऊंगा। हाँ, फिलहाल अभी नहाते धोते तैयार होते हैं, कुछ कुछ सामान लाना है घर के लिए, क्योंकि दिन में वो लोग आ रहे हैं। आप लोगों को मिलाऊंगा मैं जानवी से, ताऊजी से, ताई जी से, सबसे मिला था। अब मैंने खानी मम्मी से डांट, मैं कर रहा था व्लॉग एडिट ताकि मैं कल सुबह जो है ना व्लॉग टाइम पर डाल सकूं। आज तो व्लॉग नहीं डाल पाऊंगा, सॉरी उसके लिए। बट कल सुबह व्लॉग टाइम पर डालने के लिए मैं भूल गई कि मम्मी ने मुझसे ब्रेकफास्ट के लिए अंडे मंगाए थे। मम्मी मुझे बोल रही चिराग चिराग चिराग, चलते हैं भाई वरना और डांट खाएंगे, वरना और डांट खाएंगे। फटाफट फटाफट ले आते अंडे। कोटद्वार में ना अब ठंड ना कम हो गई है, मतलब है पर उतनी नहीं है जितनी पहले थी। पर मैंने एक चीज देख ली, मैं सुबह जल्दी उठने लगा हूँ ना आजकल, तो सुबह जल्दी उठने का फायदा तो है भाई, मजा आता है। ऐसा लगता है पूरा दिन यूटिलाइज हुआ है, बजाय वो दिन में 12-1 बजे उठने के, सुबह उठना इज अ वेरी गुड थिंग। चलो फिलहाल पहले अंडे ले लेते हैं, ब्रेड ले लेते हैं, फिर घर चलते हैं। भाई बड़े का लेने लेने सिर्फ अंडे और ब्रेड आया था, अपने लिए बॉडी वॉश स्क्रबर भी ले लिया। चलो भाई फटाफट पहले घर चलो। यार बहुत आराम आराम से चलाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ना अंडे भी रखे हैं, अगर फूट गए ना तो दिक्कत हो जाएगी, जो कि मेरे साथ हमेशा होता है। जब भी मैं अंडे लेके जाता हूँ स्कूटी में या बाइक में, फूट जाता है यार वो। फिलहाल चलो खैर घर चलते हैं, आज बहुत सारा काम है। कपड़े भी लेने अपने जो फिटिंग के लिए दिए थे, और 2 शॉर्ट्स बनवाए वो भी लेने। फटाफट फटाफट काम हो जाए तो आराम आराम से पैकिंग भी करने, क्योंकि सुबह निकलना है भाई 6 बजे। मम्मी मस्त करके जो है मम्मी ने बनाया ब्रेकफास्ट ब्रेड ऑमलेट, कितना अच्छा बना रखा। देखना जरा मेरे लिए, देखना जरा। मैंने तो अपने लिए क्या डाल रखा है, इसमें चीज, स्वीट कॉर्न, थोड़ा सब कुछ, प्याज व्याज, धनिया वगैरह। और मेरे में बेटा तुम लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा, पता मैं कंफ्यूजन हो जा रही तुम्हारे लिए बनाने में। क्यों फिर तो बता, मम्मी सिंपल बनाओ मेरे लिए, कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत। ये भी सिंपल ही था, इसमें क्या एक्सपेरिमेंट कर रखा था आपने? चुप रह, इसमें देखना जरा, बस पहाड़ दो फट 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 डाला, बनाया जो बना बना डाल दिया। मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज तो डाल ही रखे बब्बा, तो मैं यही पसंद आता है भाई, प्लेन वाला। मैं तो बहुत, ये हमारे गांव की वो खेत की है ना, आंटी ने दी है, पर हमारे यहाँ भी हो रखी थी। और आज ताऊ जी आ रही है, आज ताऊ जी आ रहे हैं, जानवी आ रही है आज तो मिलने, तुझे मिलने। देख जानू भी आ रही है तेरे को मिलने, दैट बिजी शेड्यूल से इसने टाइम, बिजी शेड्यूल, पैसे लेने हैं 2000 रुपए लेने होंगे उसको मुझसे। चिना आप जमाने में गया वो टाइम जो कि पैसे लेने आना कोई, आज तो सब तो गूगल पे कर देते हैं। मिलने आ रही है कि भैया साल भर बाद आ रहे हैं, और ताऊ जी भी मिलने आ रहे हैं, इतनी अच्छी बात है। देख रहे बेटा कितने अच्छे हैं सब, कि मैं एक चिराग को मिल के आ जाता हूँ। है क्या तू ऐसे यार? और बेटा इसलिए मिलने आ रहे हैं कि अब साल भर बाद मिलेगा, देखिए अच्छी बात है। अब मुझे ये भी अच्छा लगता है तेरे को देखे कि तू भी जाता है सबको मिलने, कि मैं सब आंटी को मिलके आ जाऊँ, ताऊजी को मिलके आ जाऊँ, लड़कों को मिलके आ जाऊँ, तो अच्छी बात है ना। मिलना जाना चाहिए भाई, जब तुमने तुम्हारे रिश्तेदार है तो निभाना उसको। नहीं जब वैसे भी जब तू दिल्ली से भी आता तो जाता, मुझे अच्छा लगता है, मतलब ये अच्छी बात होनी, अच्छे गुण है ये कि तुम सबसे मिलके आते हो। वो बात तो है, मैं तुझे बोलती नहीं जबकि तू खुद ही चले जाता है, ये अच्छी बात है। और चिराग को बस एक बात का दुख हो रहा है, क्या नानी को मिलेगा ना? हाँ यार, नानी को वीडियो कॉल करेंगे। हाँ मैं दोनों ने कैसे बोला, नानी को वीडियो कॉल कर लेंगे। नानी को वीडियो कॉल कर लेना यार, बुढ़ापा है, सावर बाद आके मिलेगा तो पता नहीं, और बुआ को भी मिल के आना चाहिए ना। हाँ बुआ को मिल के आना भाई, अच्छी बात है, जाना चाहिए ऐसे। मैं तो सोच रहा था ताई जी को भी मिलने जाऊंगा, बट अभी देखता हूँ जब से टाइम होगा। हाँ क्योंकि ऐसे ना चाहिए, मतलब मुझे ये लगता है ना कि भाई देखो ये होना चाहिए बच्चों के अंदर गुड़, कि भाई सबके सबके होना चाहिए यार, आना जाना घर पे बना रहता है तो अच्छा रहता है। सही में ये थोड़ी कि पता ही नहीं चल रहा आया कब गया है ना। खाना खाना नाश्ता कर लें, फिर हम आराम से बैठ जाएंगे, हमारा काम धंधा तो सब हो गया जी। नहीं क्या काम करना है भाई, बहुत सारे काम बता रखे। हाँ भूल गया ना, क्या काम बता रखा आपने मुझे? एक तो कहा था रजाई दी, कब से बोल रही हूँ। अरे यार वो रजाई उनको नहीं जी ना, वो देख के आनी है, और कई काम है अभी। पाओ जी आ रही, जरा घर बार सब ठीक ठाक। आंटी आ तो रही है? आंटी तो आ रही है, आंटी तो झाड़ू पोछा करेगी ना। क्या बोला आपने मुझे? अब यार चुप रह, रख पर मंथ मुझे कितने पैसे भेजना? अच्छा इसको मत कर, बोले पर मंथ मुझे 5000 भेजना मेरा फेशियल कर, फेशियल कराने के लिए। अरे तो मैं अपने में मुंह 500 रुपए खर्च करता हूँ महीने में एक बार, ठीक है ना? वो तेरी गलती है ना। मेरी गलती है, मैं आपको किट्टी के लिए दूंगा मम्मी, आप उसमें किट्टी में कर। मेरी किट्टी के लिए? नहीं नहीं मेरी किट्टी के लिए पैसे जमा करते हैं ना। 9000 की किट्टी, 10000 रुपए, 1000 रुपए खुद का मुनाफा। मैं ये बड़ी बड़ी बातें मत करना, पर तू समझ में ये बात हमेशा ही बोल के जाता है तू। नहीं नहीं दे दूंगा 10000 ना। 15 नहीं दूंगा, 10 दूंगा। हाँ 10 तो बोले। मेरी मम्मी ने
अभी एक नया वर्ड का आविष्कार किया है। मेरी माता ने पता क्या बोला, मम्मी ऐसे घूमती इधर उधर, मैंने क्या हो गया, मैं बोल रहा मेरा दिमाग ब्लाइंड हो जाता है। दिमाग ब्लाइंड नहीं होता मम्मी, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ए यार बॉय क्या हो यार, दिमाग ब्लाइंड नहीं, दिमाग ब्लैंक है, मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। क्यों नहीं, दिमाग ब्लाइंड रहता गाइस, ब्लैंक नहीं होता यार। ये रजाई ना बहुत कुछ 5-6 महीने से रजाई यहीं पड़ी है, जबकि रजाई किसी और की है। आज मैं इन रजाई को देख के आता हूँ यार, जब भी मैं जब से रजाई पड़ी है तब से मुझे यहाँ 2 बार हो गए आए हुए, पर हमेशा आके सोचता हूँ रजाई अब दूंगा, अब नहीं दे पाता, आज दे देता, वरना ऐसा ना हो एक साल बाद जब भी मैं घर आऊँ तब मुझे रजाई यहीं पड़ी हुई मिले। इससे अच्छा है कि चुपचाप जाओ रजाई देकर आ जाओ। तो भाई अभी जो है जानवर तो जो वहाँ से निकल गया पहुँचने वाले होंगे, तो मम्मी मेरे को ऐसे हड़बड़ाहट कर रखी ना, ये करते वो करते ये करते वो करते, वैसे नहीं बोला करने के लिए, और अब ये भी करते ये भी करते ये भी करते। कहा है मेरी माँ, देख ले क्या कुछ करता है तू। अभी हो गया था, क्लिकबेट मिल गया था मुझे अच्छा वाला। कुछ करता हूँ तुम, मैं कुछ करता हूँ, सब मैं ही तो करता हूँ। हैं मैं यार बॉय, हैं यार बॉय, चिंता मेरे को तंग मत करना, कुछ काम धाम करो भाई। दो दिन बाद ये बोलना भी टिंग 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 तब बोलना है, बैठा मैं वहां जाके देखूंगी कितना जो बोलेगा मम्मी, वहां जाके आपको मैं बताऊंगा। जब तू बोलेगा मम्मी मैं थक गया तब बेटा पता चलेगा। तो आ गए, मतलब एक ताऊ जी आ गए, अभी जानवर ताऊ जी आ रहे हैं, आपको दिखाता हूँ पहले वो, तब सबसे मिलाता हूँ, तब व्लॉग को एंड करेंगे, कल के लिए एक और व्लॉग शूट करेंगे, परसों के लिए मतलब ना। क्या मस्त गेम खेल रहे ना तू, डर बॉल डाल, शॉट भी बढ़िया मारा उसने, ये देखो। और भाई मोटी तुम मोटी क्यों हो गई है थोड़ी पकड़ एकदम से मोटी सी लग रही थी मुझे यार। आओ भाई ज्यादा मत बोलो।